हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पावर ड्रैग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज की डेट में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हमारे इंडियन मार्केट का बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइप पे है। हाइप पे कैसे है कि जैसे मान लो भाई, हर कंपनी इस होड़ में है कि भाई हमारी गाड़ी कम प्राइस में तगड़े फीचर्स दे सके, SUV टाइप हो, मतलब कि जो भी कुछ आज की डेट में कम से कम प्राइस में जो कंपनी अपने एंड से बेस्ट कर सके, उस चीज़ की भाई बहुत ज़बरदस्त रेस लगी हुई है आज की डेट में इंडियन मार्केट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही 6 ज़बरदस्त गाड़ियाँ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको काफ़ी कुछ गाड़ियाँ कम प्राइस पर मिल जाएंगी, कुछ थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, तो बट उस हिसाब से आपको चीज़ें कम्फर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी वगैरह ऑफर करेंगी। तो जो भी कुछ रहने वाला है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करे, बिना कहीं मत चले जाना। नंबर फर्स्ट कार इज किया स्पोर्टेज। बेसिकली ये किया की आप कह सकते हैं कूपे टाइप की डिजाइन की एक SUV गाड़ी है, जो कि एक 5 सीटिंग के लेआउट के साथ आती है। अगर मैं इसका सेगमेंट की बात करूँ, तो जिस सेगमेंट में इंडिया में ह्यूंडई अपनी ट्यूसन को सेल करता है, लगभग 20 से 25 लाख रुपए के आसपास में आती है। कूपे डिजाइन में प्रॉपर SUV गाड़ी है। जैसे कि आपने BMW की X4 देखी होगी कि वो SUV भी और डिजाइन भी उसका थोड़ा कूपे टाइप है, तो सिमिलर है, उसी जैसे इसका डिजाइन रहने वाला है। बट कम प्राइस में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है अगर BMW से कंपेयर करा जाए तो। बट अगर एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बात करें, तो भाई काफी ज्यादा कॉस्टली गाड़ी पड़ जाती है। अब अगर हम स्पोर्टेज के बारे में बात करें, तो ये गाड़ी इंडिया के अंदर किया लॉन्च कर सकता है। 2022 तक ये गाड़ी आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आज की डेट में तो किया इस गाड़ी को वर्ल्ड वाइड सेल कर ही रहा है, एक्सेप्ट इंडिया। ग्लोबली मतलब अपना कोरियन मार्केट हो गया, अमेरिकन मार्केट हो गया, इन सारी जगह पे आप लोगों को ये गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है, वो आपको इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। जिसके फ्रंट के डिज़ाइन को देखोगे, तो कहीं ना कहीं उस डिज़ाइन को देख के थोड़ी बहुत आप लोगों को लैम्बोर्गिनी यूरोस की वाइब्स आएंगी। थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई, उस जैसा डिज़ाइन है, काफ़ी सटल सा है, काफ़ी मस्त सी लगती है फ्रंट से, जिसमें कि आपको प्रॉपर LED लाइट्स का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, और किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल भी देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 2 पेट्रोल इंजन आएंगे, डीजल का ऑप्शन नहीं है। 2.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन रहेगा। 187 की पावर निकाल के देगा, 240 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकालेगा। दूसरा आपका 1.6 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन रहेगा, जो आपके लिए आराम से 261 हॉर्स पावर निकाल के देगा 350 न्यूटन मीटर के पीक टॉर्क पे। गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीड की ऑटोमेटिक और 7 स्पीड की DCT ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगी, मैनुअल के चांसेस इसमें नहीं है। बाकी अगर फीचर्स की बात करी जाए, तो भाई 25 लाख रुपए दे रहे हो तो आप लोगों को इसके अंदर सारे ही फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। ग्लोबल मार्केट में तो इसमें 20 इंची के भी अलॉय व्हील आएंगे, बट इंडियन मार्केट के अंदर 18 इंची तक आपको मैक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और हॉरिजॉन्टली इसके अंदर आप लोगों को इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी, और बाकी इलेक्ट्रॉनिकली इसके अंदर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसके टेल गेट को। मतलब कि आप पैर अपना स्वाइप करते हैं ना बम्पर के नीचे, उससे काफ़ी कूल फीचर है, उससे इसका टेल गेट ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। काफ़ी बढ़िया फीचर लगता है, काफ़ी कूल फीचर भी है। उसके अलावा आप लोग इसके अंदर नॉर्मली जैसे कनेक्टेड कार के फीचर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें और पार्क असिस्ट को भी यूज़ कर पाएंगे। 10 वे एडजस्टेबल इसके अंदर आप लोगों को ड्राइवर साइड सीट मिलेगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे, तो इस गाड़ी के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। अब फिलहाल देख लेते हैं नेक्स्ट गाड़ी। नेक्स्ट कार इज वॉक्स वैगन पोलो। बेसिकली पोलो एक यार, अगर मैं रियलिटी बताऊं, जो एंथुजियास्ट बंदे हैं ना, उनको इतना खुश कर सकती है ना ये गाड़ी। आप एक एक्सेलरेशन इसका लेके देखो, इस कदर मतलब रॉकेट है ये। अपने सेगमेंट की गाड़ियों को तो बीट कर ही देगी अगर इसका किसी भी गाड़ी के साथ ड्रैग करे या फिर रेस करे। अगर इसकी क्रेटा जैसी गाड़ियों के साथ भी टक्कर लगाई जाए, तो ये बिल्कुल पीछे नहीं हटती। बट इस गाड़ी के ना बिकने का इंडियन मार्केट के अंदर 3 बड़े मेजर रीज़न है। एक तो इसके अंदर थोड़ा सा अगर VW फीचर्स को अपग्रेड कर दे तो बिक सकती है। दूसरा, इसके थोड़े से लुक्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दे तो बिक सकती है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो लोग समझते हैं कि यार, VW की गाड़ियाँ महंगी है और जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बट अगर अब इसके थोड़ा प्राइस देखे जाए, तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास ये पहुंच जाती है। अगर इसका ठीक ठाक आप वेरिएंट लेने जाओ, तो इसके सेगमेंट में आने वाली और गाड़ियाँ भी तो 10 लाख प्लस भी तो जा रही हैं। जैसे i20 हो गई, बलिनो भी लगभग 9-80 के आसपास आ जाती है, अल्ट्रोस भी तकरीबन आपके 9-9.5-10 लाख रुपये के आसपास पहुँच ही जाती है यार, मतलब देखा जाए ओवरऑल राउंड फिगर में। तो अब VW को उम्मीद है कि अगर हम इसकी नेक्स्ट जनरेशन निकालते हैं, जिसके अंदर हम इसमें फीचर्स दे देंगे, फ्रंट की लाइट्स वगैरह चेंज कर देंगे, और जो करंट सिनेरियो के अंदर फीचर्स हर कंपनी ऑफर कर रही है, बड़ा स्क्रीन, कनेक्टेड कार के फीचर, या फिर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इस टाइप के फीचर भी अगर VW डाल देना, तो इसकी सेल्स फिगर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, गाड़ी बिक सकती है, क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग हो गई, राइड क्वालिटी हो गई, और 5 स्टार की रेटिंग, मतलब सॉलिड तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। 5 स्टार की रेटिंग हो या फिर इसकी जितने भी स्टार की रेटिंग है, आप ये लगा लो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉलिड है ये गाड़ी। इसका गेट खोलना बंद करना पता चलता है भाई, महसूस होता है, और जितनी भारी है उस हिसाब से इसका इंजन उतना ही ज़्यादा पावरफुल है गाइज। मतलब अगर आपने पोलो चलाई है ना एक बार भी, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ भाई, पोलो जैसा कुछ और नहीं है। तो इसका जो अपडेट आ सकता है, वो 2022 के स्टार्टिंग तक आ सकता है, और जो प्राइस इंक्रीमेंट इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल सकता है, 50 से 70 हज़ार रुपये एटलीस्ट इसके ऊपर VW आपको महंगा करके देने वाली है।
अब जो नेक्स्ट कार है वो आ रही है सीट्रॉन कंपनी की तरफ से, C3 एयरक्रॉस। बेसिकली इन्होंने अपनी C5 एयरक्रॉस को तो निकाला, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इंडियंस ने मतलब उसकी तरफ बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कि भाई सीट्रॉन ने अपनी एक गाड़ी लॉन्च करी है, लोगों ने देखा तक नहीं। अगर ये लोग ऐसा कुछ करते जिस सेगमेंट में किया ने अपनी सेल्टॉस को उतारा था, इस प्राइस पॉइंट पर कोई गाड़ी उतारते तो शायद इंडियंस इसकी इनकी गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। बट जो C3 एयर क्रॉस है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव, काफ़ी ज़्यादा मतलब धमाकेदार प्रोडक्ट रह सकता है। आज की डेट में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट की गाड़ियों को सबसे ज़्यादा पसंद करा जा रहा है। बट उसके अंदर भी जो गाड़ियाँ इस सेगमेंट में सबसे कम प्राइस पॉइंट पर आती हैं, जैसे कि मैग्नाइट हो गई, काइगर हो गई, इन गाड़ियों को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि भाई जिनका बजट इतना अलाउ करता है, मतलब अधिकतर बंदों का इतना बजट अलाउ कर ही देता है कि भाई 5-7 लाख रुपये तक ले सकते हैं, तो ये गाड़ी भी लगभग 6.5 या 5 5.5 लाख रुपये के आसपास के प्राइसिंग में आने वाली है। जिसमें सीट्रॉन की कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम प्राइस के अंदर इसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर दे दें। ग्लोबली तो इसके अंदर भाई बहुत ही ज्यादा फीचर आते हैं, बट इंडियन मार्केट के अंदर इतने ज्यादा फीचर शायद इसमें ना आए। ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट के अंदर तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल हो गया, एक छोटी सी सनरूफ हो गई, रूफ रेल्स, और उसके अलावा आपको इसके अंदर शायद से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो इसकी डिजाइन है वो तो भाई आपको काफी मस्त सी मिलने वाली है। जो आप वीडियो में देख रहे हो इसकी पुरानी वाली जनरेशन है, जो न्यू वाली होगी वो काफी ज्यादा बेहतरीन आने वाली है। 2021 फेस्टिव सीजन तक जहां के गाड़ी को भी इंडिया में लॉन्च कर देंगे, या फिर हो सकता है कि 2021 के एंड तक भी इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करा जा सकता है। प्राइसिंग वही मैंने आपको बता दिया, 6-6.5 लाख रुपए के आसपास इसकी स्टार्टिंग प्राइस रहने वाली है। नेक्स्ट कार इज महिंद्रा XUV 400। बेसिकली महिंद्रा अपनी XUV सीरीज का जो लाइनअप है उसको पूरा कंप्लीट करके ही मानेगा। XUV 300 आती है आप लोग जानते हो, 400 आनी है, 500 को जो फिलहाल ही इन्होंने हाल ही में मतलब बिल्कुल उसका नाम खत्म कर दिया है वो भी वापसी आनी है, बताऊंगा कैसे, और XUV 700 आने वाली है और 900 भी आनी है। तो मतलब XUV का जो लाइनअप है महिंद्रा उसको पूरा कंप्लीट करना चाहता है। 400 के बारे में अगर बात करी जाए तो ये गाड़ी क्रेटा हो गई, अपनी सेल्टोस हो गई, MG हेक्टर हो गई, टाटा हैरियर हो गई, और निसान की किक्स हो गई, सब गाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं पे गाड़ी आने के बाद राइवल करेगी। और जो XUV 500 रहेगी वो 400 का ही थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन रहने वाला है 500 के नाम से जो आएगा, जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब अगर आप और पैसे देके कंफर्ट कन्वीनियंस प्रीमियमनेस चाहते हैं तो आपको वो चीज 500 के अंदर मिल जाएगी। प्राइसिंग वही रहेगी इसकी, लगभग लगभग अपना मान के चलो 8.5 लाख रुपए से कम भी नहीं तो इसकी टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग आपकी जा सकती है 13-14 लाख रुपए के आसपास, और जो 500 होगी उसकी जाएगी लगभग 10 लाख रुपए से लेकर 16-17 लाख रुपए के आसपास। फीचर्स वगैरह इसके अंदर आप लोगों को XUV 300 से थोड़े से बढ़े हुए देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि क्रेटा की राइवल है, अब तो सेल्टॉस के अंदर भी आने वाली है तो इसमें आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी अगर इंजन्स की बात करी जाए तो इसके अंदर आप लोगों को एमिस्टेलियन पेट्रोल और एमहॉक डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाएंगे। फीचर्स की बात करी जाए तो आपको पता है कि भाई महिंद्रा कितने ज्यादा फीचर्स ऑफर करता है, मुझे सफाई देने की उस बारे में जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार इसके फीचर्स बता देता हूं। इस गाड़ी में आपको प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा, 7 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, हीटेड ORVM, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगी, इंफोटेनमेंट स्क्रीन 10 इंचेस की प्लस होने वाली है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के फीचर्स आ जाएंगे, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आप लोगों को सेपरेट शायद स्क्रीन देखने के लिए मिल सकती है, कंफर्मेशन नहीं है, शायद बोल रहा हूँ। और बाकी अगर और छोटे मोटे फीचर्स की बात करी जाए जैसे 360 डिग्री कैमरा वगैरह हो गया, वो इसके प्रीमियम वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा जो होगा XUV 500। अब चलते देख लेते हैं आज की लिस्ट की नेक्स्ट और लास्ट कार। लास्ट कार इज महिंद्रा XUV 900। बेसिकली महिंद्रा ने आज से 2-4 दिन पहले ये बात क्लियर करी है कि वो अपनी XUV 900 को भी लॉन्च करेंगे। 900 की अगर बात करी जाए तो आप ऑल्टेरा G4 राम को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो गूगल आउट कर लेना। महिंद्रा की एक फुल साइज SUV आती थी जिसको इन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अच्छी सेल्स फिगर ना मिलने की वजह से महिंद्रा ने कहा कि इस गाड़ी के ऊपर हम जितना पैसा लगा रहे हैं उतना भी अगर हमें इससे मतलब रिफंड नहीं आ पा रहा है तो हमें इस गाड़ी को बेचने का फायदा नहीं है, प्रॉफिट तो दूर की बात रही। तो यहाँ पे कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे और अपना जो XUV चला हुआ नाम है उस नाम से हम इस गाड़ी को दोबारा मार्केट के अंदर उतारेंगे। तो XUV 900 के नाम से ये गाड़ी आपको इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही जल्दी दोबारा देखने के लिए मिलने वाली है। 2022 तक ये गाड़ी इंडिया के अंदर आ सकती है, जिसमें कि आपको टोटली एक न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, जिसमें आपको सब कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो अलॉय व्हील्स हो, डिजाइंस हो, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ हो, या फिर कनेक्टेड कार के, या फिर आज की डेट में आने वाले फ्यूचरिस्टिक फीचर्स ही क्यों ना हो। इस गाड़ी के अंदर आपको इंटीरियर में लेदर अपहोल्स्ट्री देखने के लिए मिलेगी, सॉफ्ट डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा सॉफ्ट टच के साथ, बाकी आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नो और कार के अंदर कनेक्टेड कार के फीचर्स वगैरह सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी।
कि आप लोग 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद या 45 लाख रुपए खर्च करने के बाद फॉर्चूनर, एंडेवर, ग्लोस्टर जैसी गाड़ी छोड़ के क्या इस गाड़ी की तरफ जाएंगे, या फिर अगर आप लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो क्या आप मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनी की तरफ जाना सोचेंगे। तो वो चीज़ आप लोग मेक श्योर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, इस वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलेंगे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।